नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है थ्योवल एग्जाम। आज इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषुवत रेखा एवं भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप ये जानते हैं कि ये एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा कोई ना कोई प्रश्न बनता है। 2023 के IAS में भी भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा से प्रश्न बने थे। तो आप जान रहे हैं कि जितनी भी परीक्षाएं आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि UPPCS हो गया, BPSC हो गया, RO ARO हो गया, उन सब में GS के पोर्शन में यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। और जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है GS पॉइंटर जो आता है, उसमें बैक ईयर के अब तक जितने भी प्रश्न दिए बनाए गए हैं 30 साल में, सारे कुछ वन लाइनर फैक्ट के रूप में होते हैं। तो उन्हीं को आज हम देखने जा रहे हैं। तो टॉपिक क्या है? विषुवत रेखा एवं भूमध्य रेखा है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आप देखेंगे 4,90,000 किलोमीटर है। 40,090 किलोमीटर है। अब है भूमध्य रेखा गुजरती है कुल कितने 13 देशों से गुजरती है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा जो हमारी है वो कुल 13 देशों से गुजरती है। इन 13 देशों के नाम देख लीजिए, शॉर्टोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से गुजरती है। अब जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह कौन सी है? भूमध्य रेखा है। मतलब कि वर्ष के तापमान में जो ज्यादा अंतर ना आता हो उसकी बात हो रही, तो वो क्या होगा? वो भूमध्य रेखा होती है। कोलंबो जकार्ता मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर कौन सा है? वह आप देखेंगे सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है वह महाद्वीप है। उस महाद्वीप का नाम क्या है? उस महाद्वीप का नाम अफ्रीका। याद रखिएगा, अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होके गुजरती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से निकलती हैं? वह अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं। केनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया एवं ब्राजील में से वह देश जहां से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है वह आप देखेंगे मेक्सिको है। मेक्सिको से जो है वो भूमध्य रेखा, मेक्सिको से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, बात ध्यान रखिएगा। अब है कर्क एवं मकर रेखा, मतलब जो कर्क और मकर रेखा के बारे में बात हो रही है। आप जान रहे हैं कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की बात हो रही है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य के उन्त्यांश होता है लगभग 43.5 डिग्री पे होता है। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा वो हवाई द्वीप, कर्क रेखा हवाई द्वीप जो कि USA का है आप जानते हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी होते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कुल 19 देशों के बारे में है। और फिर मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है कहाँ से? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोगो, बोत्सवाना एवं नामीबिया से गुजरती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब क्या होगा आप देखेंगे? तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम
भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दिन और रात की परिकल्पना की बारिश में होगी, यानी पृथ्वी की जो घूर्ण गति है, हाँ, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। चलिए, पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है क्या है? पृथ्वी के अपने ध्रुव ध्रुवी पर पश्चिम से पूर्व घूर्ण करने के कारण धरती पर दिन व रात घटित होता है। क्या होता है? दिन व रात घटित होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर मौसम परिवर्तित होता है। आप देखेंगे दोनों ही बात सही है। अब विषु या इक्वानस, यानी इक्वानस वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो देखो होता है 20 से 21 मार्च और 22 से 23 दिसंबर के बीच होता है, जहां दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर यहाँ जब दिन की अवधि और रात की अवधि लगभग 12-12 घंटे की हो जाती है, वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर होते हैं। कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा पर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ? विषुवत रेखा पर होते हैं। अब है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 दिसंबर के बीच उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा, वह आप देखेंगे 20 से 21 दिसंबर के बीच होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होगा? वो जून, 20 और 21 जून को होगा। सबसे छोटा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? 20 और 21 दिसंबर को। और वर्ष में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 20 से 21 जून को होगा। अब है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है कौन सा है? आप देखेंगे 21 से 22 दिसंबर के बीच है। कब है? 21 से 22 दिसंबर के बीच है। बीच है ग्रीष्म आयनाद प्रतिवर्ष होते हैं, कब होते हैं वो देखेंगे 20 से 21 जून के बीच होते हैं। ग्रीष्म आयनाद प्रतिवर्ष होते हैं 20 से 21 जून होते हैं। वह तिथि जिसमें दोपहर को आप की छाया सबसे छोटी होती है, वह होगा 21 जून को। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सीधा लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी परछाई नहीं बनती है। अब है जून, जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आम तौर पर होता है, कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा होता है, मतलब दूसरा जो हफ्ता चलता है उसके बारे में बात हो रही है, लगभग जो 10-10 दिन के चलता है। अब आ गया है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास के बारे में प्रश्न। यहाँ से है, वह विद्वान जिसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी के उत्तरी गैसों और धूल कणों से होते हैं, तो पृथ्वी वह विद्वान जिसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कण से हुई है, वो थे ओशिम्ड थे। कौन थे? ओशिम्ड थे। इनको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग होता है, वह होता है यूरेनियम डेटिंग, क्योंकि यह काफी लंबे समय तक की गणना कर सकता है। देखिए, कुछ यूरेनियम विधि से होता है, कुछ कार्बन डेटिंग विधि से होता है, कुछ आप देखेंगे कि जो पेड़ों में जो वलय पड़े रहते हैं छालों में, उनसे होता है। तो कई कई विधियां हैं, उनके बारे में आप देख लीजिएगा एक बार। एक मिनट रुकिए। अब आगे देखते हैं, महान हिमयुग का संबंध है। महान हिमयुग का संबंध है किससे? आप देखेंगे प्लेस्टोसीन युग से है। किससे है? प्लेस्टोसीन
वह आपको देखने को मिलेगा प्लेस्टोसीन युग से है। वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है वह आपको देखने को मिलेगा 1300 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक का है। डायनासोर का काल है जुरैसिक कल्प जो है 20.8 वर्ष किलो वर्ष करोड़ वर्ष का है। मतलब जुरैसिक कल्प कब तक होता है, 20 करोड़ वर्ष पहले की बात आता है जब डायनासोर थे। इसलिए देखिए जो इनके ऊपर जो मूवी हॉलीवुड में बनी है वो जो जुरैसिक करके था, जो जुरैसिक करके उसका नाम आता है, उस काल की अवधारणा को बताया जाता है। अब महाद्वीपों के अलग होने के कारण क्या है, विवर्तनिकी क्रियाएं हैं, यानी जो प्लेट टेक्टोनिक्स क्रियाएं थी जिसमें प्लेट आपस में अलग हो रही थी, आप उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उनमें आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि इस थ्योरी के माध्यम से बताया गया था कैसे 7 अलग अलग प्लेटों में अलग अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ है। अब है भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है जिसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। वह आप देखेंगे कौन सा है, वह आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका है। तो इसमें जो पूछ रहा है महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा है? उत्तरी महाद्वीप है, भारतीय उत्तरी महाद्वीप है, गोंडवाना लैंड का मेडागास्कर, फिर मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। गोंडवाना लैंड के भाग है कौन कौन से है फिर से देख ले, गोंडवाना लैंड के भाग में भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप जो आपके मान लीजिए भारत का ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप का भाग में आ जाता है। तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप है, कहीं पूरा भारत लिखा रहे तो वो गलत हो जाएगा, नहीं पूरा भारत नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। फिर मेडागास्कर आप जानते हैं अफ्रीका के बगल है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल न्यूजीलैंड है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को ध्यान रखिएगा। अब पृथ्वी पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया था उस समय विशाल भूखंड को, पेंजिया कहा गया था, उसके बगल जो जलाशय उसे पैंथलासा कहा गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। पृथ्वी महाद्वीपों में से गोंडवाना का भाग नहीं है, ग्रीनलैंड नहीं है, यूरोप नहीं है, एशिया नहीं है एवं उत्तरी अमेरिका नहीं है। वह पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य का काल लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व का है। कितने का है, जुलैसिक जो जीवाश्म के साक्ष्य का काल कब है, 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व का है। अब इसके बाद देखते हैं वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया है वह है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र है। क्या है वो, हिमानी चक्र है, वलन क्रिया परिणाम है इसका है, वो देखेंगे पर्वत निर्माणकारी बल का है। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिज परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, वह आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापी ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन और आप देखेंगे पृथ्वी पर घूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा है। सिंधवाला जमाव जो है निम्न पाषाण काल का है। अब उसके बाद देखेंगे, एक मिनट रुकिए, तो नहीं हो रहा है और जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन और अच्छे से लगा। पटपरा जमाव वो आप देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल का है। बघौर जमाव उच्च पूरा पाषाण काल का है। खेतौनी जमाव जो है वह आप देखेंगे कि लघु पाषाण काल का है। काल क्रम को व्यवस्थित करते हैं
कवच वाले जीव, पहला जीव, पहला सर्पिल सरीसृप, और जल पहला स्तनधारी। ये आप एक कालक्रम में देखेंगे कि पहला स्तनधारी सबसे बाद में आया। सबसे पहले जो आप देखेंगे वो कवक जैसे आए, फिर कीट आया, फिर आप देखेंगे सरीसृप आए, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, उसके बाद ही देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो है स्तनधारी मतलब कि मनुष्य या स्तनधारी जीव आए। चमगादड़ एक स्तनधारी है, याद रखिएगा। बेल भी एक स्तनधारी है। अब राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है किसका, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का है। चट्टाने, चट्टानों के बारे में देखेंगे। सही कथन है कि परतदार चट्टाने पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टाने विशिष्ट रूप से और परतों में पाई जाती हैं। अब है औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या निम्नलिखित है, ये शैल स्तरों में निक्षेपित होती है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। किसी बलुआ पत्थर कहाँ बनती है, वह पानी के नीचे नीचे बनती है। जब पानी के नीचे कंकड़ आपस में जमने लगते हैं तो वो एक बलुआ पत्थर का रूप ले लेते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बलुआ पत्थर एवं परतदार चट्टान है क्योंकि वह कैसी है, वह पानी के नीचे बनती है। अब है अग्नि चट्टानों के लिए कथन सत्य है। क्या है, ये क्रिस्टलीन तथा अक्रिस्टलीन दोनों ही होती हैं। अब है कांग्लोमोरेट ग्रेनाइट शैल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, वह किसके हैं, वह आप देखेंगे ग्रेनाइट के बारे में है। अब है कि रूपांतरित चट्टानों में उपस्थित होती हैं। क्या होती है, अग्नि एवं तलछटी दोनों ही होती हैं। अब है औषधि शैलों का उदाहरण है क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं शैल आदि हैं। क्वार्टरजाइट मार्बल नाइस एवं डोलोमाइट में से वह चट्टान जो कायंत्रितों का उदाहरण नहीं है, वह आप देखेंगे डोलोमाइट है। क्या है, वो डोलोमाइट है। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में से अब तक जो भी प्रश्न आए इसमें आप देख सकते हैं, वो केवल दो ही टॉपिक्स उठाए, या तो ज्वालामुखी का बेसिक या ज्वालामुखी का करंट। और खास करके जो ज्वालामुखी से अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो ज्वालामुखी के जो लोकेशन है उससे बन रहे हैं, तो उसको आप एक बार अच्छे से देखिएगा। और ये भी सारे प्रश्न जो ज्वालामुखी वो रिपीटेड ही होते हैं हर एग्जाम में, इसको भी देखिए। अब है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोना डलाक एवं अपरदनात्मक जलप्रपात में से कौन एक मूल स्थल रूप है, वह है ज्वालामुखी शंकु है। क्या है, वो ज्वालामुखी शंकु है। ज्वालामुखी में से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह क्यों कौन सी है, वह जलवाष्प है। अब है माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल एवं माउंट कोटोपैक्सी में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, वह आपको देखने को मिलेगा, माउंट कोटोपैक्सी है। देखिए इसमें ये चार नाम दिए हैं और इन चार नामों में से हमें जो विश्व में सबसे ऊंचे होंगे उनका नाम बताना है, तो उसमें से माउंट कोटोपैक्सी है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है, वो मैग्मा कहलाता है। और वही पदार्थ जब पृथ्वी की सतह पे आ जाता है तो वो लावा कहलाता है,
ये दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। 2022 या 21 के पीसीएस में स्टेटमेंट बनाया गया था कि पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ होते हैं उन्हें लावा कहते हैं, और उसके बाद दूसरा कथन बनाया गया था कि पृथ्वी के ऊपर आ जाने वाले पिघले पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। तो लोग कन्फ्यूज हो गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर जब तक है वह पिघला हुआ पदार्थ वो मैग्मा कहलाएगा, और पृथ्वी के बाहर जब आप देखेंगे वही पिघला पदार्थ जब बाहर आ जाता है तो वह लावा कहलाता है। अब है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं क्या? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। माउंट इतना पर्वत है एक ज्वालामुखी कहाँ है? माउंट इतना एक पर्वत है जो कि ज्वालामुखी का है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेनिस स्थित है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखिए अधिकतर जो ज्वालामुखी मिलेंगे वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के जो हवाई द्वीप है वहां मिलेंगे सबसे ज्यादा, और सबसे विशाल विशाल जो सक्रिय रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेनिस कहाँ है वो आपको देखिएगा। माउंट सेंट हेलेनिस आपको मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। मोनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इसके अंदर आता है, वह भाग आपको देखने को मिलेगा कि वह यूएसए का आता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो आकार की दृष्टि से देखें वो भी सक्रिय ज्वालामुखी तो आपको वो मिलेगा कौन सा? वह मिलेगा हवाई द्वीप मिलेगा, वो हवाई द्वीप पर स्थित मोनालोवा है। अब सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इतना फ्यूजियामा और विसुविलियस है। याद रखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? कोटोपैक्सी एटना फ्यूजियामा और विसुविलियस आदि हैं। अब है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? वह आपको मिलेगा तंजानिया में अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो है एक क्या है? वह आप देखेंगे अग्निगिरि है। क्या है? वोल्केनो है। माउंट किलिमंजारो क्या है वह आपको देखने को मिलेगा। किलिमंजारो एक अग्निगिरि यानी कि वोल्केनिक है। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर पर प्रकाश स्तंभ कहते हैं वह स्थित है स्ट्रोम्बोली स्थित है, यानी कि वहां से हमेशा जो लावा की छार निकलती रहती है जिसके वजह से वो जगह चमकता है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहते थे। पुराने वक्त में जब व्यापारियों को यूरोप की ओर आगे बढ़ना था तब वो उस चमकते हुए उस विशाल भूखंड को देखते हुए आगे बढ़ते थे। अब है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलावु वो भी कहाँ है? हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप में इसके अंडर आता है, यूएसए के अंडर आता है। हवाई द्वीप में सबसे जो बड़ा पृथ्वी के तक की सब पृथ्वी पर तक के सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? वो आपको मोनालोवा मिलेगा। कहाँ है वो भी? हवाई द्वीप पे है। अब उसके आगे देखते हैं, आप देख रहे हैं सारे प्रश्न जो है वो लोकेशन सिचुएशन आ रहे हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मध्य महाद्वीपी परिप्रशांत महासागर मध्य अटलांटिक एवं अंतरा प्लेट ज्वालामुखी में से ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक है परिप्रशांत महासागरीय प्लेटों में है। कहाँ है वह? परिप्रशांति महासागरीय प्लेटों में है। अब है इतना जो कि सिसली में है, विसुविलियस जो कि इटली में है, येरिबस आपको राम राजद्वीप पे है, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। अब है माउंट रेनियस वो यूएसए में मिलेगा, इतना इटली में मिलेगा, पेरी कुटीन वो मैक्सिको में, और ताल फिलीपींस में मिलेगा। अब है माउंट किनाबालू वो मलेशिया में है। देखिए ऐसे ही प्रश्न बनेंगे जो आपको दिख रहे हैं कि एक ही लोकेशन पे चार
दे दिए गए हैं 44। इस तरह के प्रश्न इस तरह इस समय क्यों बन रहे हैं उसका रीजन समझिए, क्योंकि आयोग को क्या करना है, अब बच्चों को पेपर टफ बना के देना। तो करता क्या है, वो एक ही प्रश्न में चार प्रश्न लगा देता है, जिससे टाइम टेकन बढ़ जाता है, जिससे जो हमारी घबराहट होती है वो बढ़ती है। क्योंकि जब एक ही प्रश्न में चार प्रश्न मिल जाएंगे आपको, तो जाहिर सी बात है वो चारों प्रश्न चार अलग अलग क्वेश्चन के बराबर होंगे, और उसमें ही आपका समय ज्यादा जाता है, जिससे और प्रश्न छूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो माउंट किनाबालू वो देखेंगे मलेशिया में है, अलबुर्ज ईरान में है, अकांकागुआ अर्जेंटीना में है, और किलीमंजारो तंजानिया में है। तो माउंट किनाबालू वो मलेशिया में है, और अलबुर्ज ईरान में है, अकांकागुआ अर्जेंटीना में है, किलीमंजारो जो है तंजानिया में है। सबनकाया कहाँ है, वह पेरू में है, कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट मेरापी कहाँ है, वह इंडोनेशिया में है, पेपो कहाँ है, वो फिलीपींस में है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, वो आपको देखने को मिलेगा काराकाटोआ जिस देश में स्थित है वह है इंडोनेशिया। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ कहाँ स्थित है, वह आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। काराकाटो कहाँ है, वह इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया के संदर्भ में सही कथन है, क्या सही कथन है आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो है वो 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है। इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, जो छोटे 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 आइलैंड होते हैं उस तरह के द्वीप इसमें शामिल हैं। अब है भूकंप, एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है भूकंप। मैं ऐसा करूँगा इन सभी जैसे कि ये जो कोटोपैक्सी है, हवाई द्वीप है, इन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, भूकंप के लिए अलग, ज्वालामुखी के लिए अलग, होंगे सारे यही क्वेश्चन, लेकिन वो टॉपिक जो उसमें आपको चित्रात्मक रूप से अच्छे से वर्णन कर देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वह देखेंगे PSL यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और लव या सरफेस वेव होती है। इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो होती है वो सरफेस जो होती है L वाली तरंगे होती है, वो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। बहुत कम आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो बहुत बड़ी तबाही मचाती हैं। रिंग ऑफ फायर संबंध है, भूकंप ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जैसी एक संरचना है जो कि सागरों के नीचे पाई जाती है। अब है कि सत्य कथन है क्या है कि भूकंप की तीव्रता को मर्करी स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा का माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयामों के सीधे मापनों पर आधारित है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, किसके भूकंप का परिणाम नापने के लिए होता है। सिस्मोमीटर मापे जाते हैं भूकंप से नापे, सिस्मोमीटर किसे नापे जाते हैं, वो भूकंप से नापे जाते हैं, भूकंपों से नापे जाते हैं। सुनामी शब्द संबंधित है किससे, जापानी शब्द से संबंधित है, ध्यान रखिएगा सुनामी शब्द जो है वह जापान की भाषा से संबंधित है। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया है वो है फुकुशिमा। क्या नाम है, फुकुशिमा है। फुकुशिमा में जो है वह सुनामी भी आई थी, और उसके बाद वहां का एक परमाणु रिएक्टर था वो विस्फोट कर गया था, तो उस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाभिकीय और विकिरण हुआ था। इसलिए वह क्षेत्र जो दोनों ही तरह से जो आपदा से ग्रसित है जापान का, वो है फुकुशिमा है। अब आगे देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। पृथ्वी की सतह का वह भाग
जिस पर भूकंप, जिस पर आप देखेंगे भूकंपी तरंगों को संदर्भित रिकॉर्ड किया जाता है, कहलाता है अभिकेंद्र। जहां सबसे पहले भूकंप के बारे में पता चलता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। कोकोस प्लेट जिसके मध्य पाई जाती है वह आप देखेंगे मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट है। कोकोस प्लेट कहाँ पाई जाती है, वह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महाद्वीप प्लेटों में है। अब भूकंपी छाया क्षेत्रों को संदर्भित संदर्भित सही कथन है। आप देखेंगे एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री पूर्व का क्षेत्र पी और एस तरंगों की छाया होता है। अब है कथन एक, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत 1967 में एच हेस ने दिया था, जो कि ये गलत है। कारण क्या, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत महाद्वीपी तल विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है, तो यह वाला सही है। देखते हैं लगभग हमें अब आधे घंटे का हो गया है, तो इसको हम यही रोकेंगे और अपना नेक्स्ट वीडियो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वह महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत से प्रारंभ करेंगे। महाद्वीप जो जो हैं, किस देश में कितने, किस महाद्वीप में कितने देश हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।